बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह मेरी दिल से दुआएं होती है सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और हर परेशानी, हर बीमारी, हर तकलीफ से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस हमें मरी में तो हमें रुकना नहीं था, मगर आज जब है ना मौसम खराब था, इस वजह से फिर अल्लाह ताला अल्लाह कह रहा है रुको रुको, होते कौन है जाने वाले। सही कहा, मैं हूँ तो सब कुछ है। मैं यहाँ पर हमने ना फिर अब हम बर्फबारी देख के जाएंगे, अचानक की रूम ले लिया, वरना हमारा था कि हम जैसे सुबह जाएंगे और शाम को हम लोग तूफान है, बादल आए हुए और लोग ये दूर दूर से आते हैं मौसम देखने। हमारी गाड़ी आई है और यहाँ पे हमने जो रूम लिया है, मैं आपको होटल दिखा देती हूँ। ये हीटर लगा है, बड़ा खतरनाक चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और यहाँ पर एक इन्होंने सोफा रखा हुआ है, एक डबल यहाँ पर तहसीन और मेरे हस्बैंड सो जाएंगे, और यहाँ पर जो है ना मैं घोसिया, तो ये इधर वॉशरूम है, यहाँ पर ड्रेसिंग रूम बना हुआ है। ये मेरा और शबाना ये हमारा रूम, इधर आना मना है। मैंने पर्दे भी लगाए हुए हैं, जा मेरे इधर ये सोते सोते उल्टी हो जाती है। मैंने कहा इसको क्या हो गया, मैं डर गई। मैंने कहा इसका मुंह काया, कौन सा चश्मा लगाया, तो वो सर था, मुंह तो नीचे। मैंने कहा भाई ये तो आंटी पूरे रास्ते चुप आई है, बिल्कुल चुपचाप, क्योंकि वो बादल आंटी डर लग रहा था आंटी को ना सफर में। इधर नहीं करना, खाई में टेंशन हो जाएगी। लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई गाड़ी सामने से आ रही है, टकरा गई। वैसे रात के ऊपर बात कर रहे थे, ओ लाइट गई, ये क्या हुआ? मरी मरी मरी, हम तो सच बोल रहे थे, फिर भी लाइट चली गई। मगर हमारे मोबाइल की आ रही है लाइट। हाँ यहाँ पर भी लाइट जाती है, बहुत डेंजर सीन। वो बता तो रहे कि वो लाइट का काफी मसला चल रहा है, लेकिन वो जनरेटर लगा हुआ है। हाँ, बहुत कम जगह पे जनरेटर, जनरेटर है, वाईफाई है, क्योंकि वो तूफान आया हुआ है ना बाहर, तो उसकी वजह से लोड शेडिंग का मसला हो रहा है। देखे ये कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। बहुत खतरनाक बारिश हो रही भाई, आवाज आ रही होगी। बारिश का आवाज देखो, जैसे अब बारिश का आवाज 2:30 बज रहे दोपहर के, और मौसम कैसा हो रहा है, जैसे रात होने वाली है। बादल है ना, बादल के तेज इसमें हम आए, वो खत्म हो गए, वो साफ साफ हो गए, बादल भी तेज बन रहे, मुसलसल बारिश हो रही है। बारिश बादलों की आवाज कितनी तेज हो रही है, इतना बढ़ जाएगा। हेलो सर, बादल इतनी देर से बोल रहे, गरज रहे। चार सेटी की रेड हो रहा है अभी, तकरीबन दोपहर के तकरीबन 2:30 बजे है, और चार सेटी की रेड है। रात में क्या होगा पता नहीं, कितना सेटी रेड होगा, तेज बादल चमक रहा है ना, बिजली चमक रही है, बादल कड़क रहे हैं, अल्लाह रहे। वो है ना बर्फ जमनी शुरू हो गई, यहाँ पे बर्फ जमनी शुरू हो गई, इतना टेम्परेचर हो गया। हाँ गाड़ी पे बर्फ जम गई। हाँ सब्जी और दाल चना, दाल चना का स्पेशल है, और पाई भी लिखे हुए थे वहाँ पे, पाई नहीं है, पाई नाश्ते में होते हैं। अच्छा, और जी क्या, ये नहरी है, नहरी पुख्ताने दे, बारिश हो गई। जाएंगे कैसे, खाने में मंगाया हमने
एक सब्जी और दाल है और चिकन कौरमा मंगाया है। कोरमा चिकन कोरमा सब्जी एक खाली प्लेट भी ला दो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चाय जबरदस्त बनी धुएं निकल रहा है चाय बस ऐसे कब भाई यहाँ मिल रही है मुफ्त में ठंड वहाँ इतनी महंगी ठंड लेंगे और वो भी टाइम टाइम से ठंड मिलेगी हमें फिर वाउडा वाले ठोक देंगे भाई थक कर लाओ जी 50,000 जब भी टेंशन नहीं तो अभी भी हम पैसे दे रहे हैं घर हीटर 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 लेने के पैसे लेते रहे ना हमने सर्दी से बचाओ के पैसे दिए इंसान को बैलेंस चाहिए बैलेंस टेम्परेचर पराठे बना रहे थे सर एक बस सिर्फ खाना खाने के लिए हम लोग गए और उसी के लिए जो है ना बारिश रुकी थी और जैसे ही हम आए ना बस इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है बहुत खतरनाक किस्म की बारिश हो रही है मेरा पूरा दुपट्टा ना पूरा गीला हो गया था अभी आते में बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की मैंने टांग दिया था तो अभी ना बारिश रुकी तो हम लोग अभी बस हिम्मत करके आ गए बाहर हम लोग चलो माल रोड का एक चक्कर लगाते हैं ऐसा मौका भी बार बार कहाँ आता है तो अभी हम बाहर आए बारिश तो नहीं हो रही मगर जो है ना बारिश से ज़्यादा खतरनाक हवा चल रही है हवा चल रही है जो हवा सामने से सारी ऊपर पड़ रही है ओले भी नहीं आ रहा अरे ओले आ रहे हैं ओले आ रहे हैं ओले ओले आ रहे हैं हाँ ओले आ रहे साइड में हाँ ओले आ रहे हैं ये पर ये देखो ओले ओले बर्फबारी हो रही है बर्फबारी हो गई बर्फबारी हो रही हाँ हाय 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 बर्फबारी शुरू हो गई और बस अल्लाह रहम करे ज्यादा सर्दी भी जो है ना इंसान को कुछ बोलने नहीं देते और माशाल्लाह यहाँ इतनी रौनक हो रही ना सब लोग निकले खूब इंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है होटल में तो हम लोग बैठे हुए थे बारिश शुरू की है ना तो अब लोग हम लोग निकले बर्फबारी हो रही है माल रोड में इतनी रौनक है ना मरी यार माल रोड ना हो तो वो फिर लगता ही नहीं है हाँ लगता ही नहीं है कि ना हम मरिया है माल रोड तो यहाँ की एक रौनक है यही था अम्मी हाँ अच्छी होती है कॉफी जाते जाते हमारी नज़र पड़ी ड्राई फ्रूट की शॉप पे हमें ड्राई फ्रूट ले लेते थोड़े और आप यकीन करें मैं मोबाइल नहीं पकड़ा रहा मोबाइल में उंगलियाँ सुन हो रही है बड़ी अच्छी शॉप है ड्राई फ्रूट की देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ अच्छी मिल रही है और सस्ती मिल रही है ये बेर है इसके अंदर कुछ चाक करके ना अखरोट चिपकाया हुआ है
बेर किसमिश है इसमें किस तरह चिपकाया अच्छा और क्या चीज अच्छी है ये क्या चीज है ये कलाव क्या कलाव कलाव क्या कलाव फ्रूट के ऊपर ने अंगूर से टूट कर चलो उसमें फ्रूट के वाले पड़ा इसमें बादाम वाले बादाम वाले बादाम है फ्रेश है तो ये 2500 का तो जी हमने थोड़े ड्राई फ्रूट लिए कहाँ ड्राई फ्रूट थे ड्राई फ्रूट लिए हमने अखरोट लिए बादाम लिए खुबानी लिए मिक्स ड्राई फ्रूट लिए लिए बड़ी अच्छी शॉप लगी है हमें हर चीज़ जो है ना बड़ी साफ थी और बहुत ये क्या कहेंगे इसको क्रिस्पी और दुकान बहुत अच्छी बनी बहुत ज़्यादा फ्रेश हाँ और ड्राई फ्रूट भी अच्छी क्वालिटी के यहाँ भी दिख रहे हैं हाँ इसकी प्राइस है 1200 सर्दी पड़ गई फिर ठंड बढ़ गई बस ना मुझसे मोबाइल भी नहीं पकड़ा रहा मेरे ना सब्सक्राइबर भी मिली यहाँ पर मुझे दो तीन अच्छा लगा उनसे मिलकर माशाल्लाह इतना रश हो रहा है ना इतना रश हो रहा है इतनी ठंड में तो छोटे छोटे बच्चों को लेके आई मैं बोली यार हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा इन्हीं एक साल के बच्चे से क्या बर्दाश्त हो रही होगी ठंड बच्चा परेशान है बेचारा बारीक बारीक नहीं करो यार बर्फ की नहीं तो बैठे रहते क्या कहाँ कहाँ बर्फ कर अल्लाह अकबर तो यह आंटी गई नहीं थी सर्दी की वजह से तो आंटी के लिए हम बर्फ लिया है आंटी थोड़ी थी खा के देखे बिल्कुल फ्रेश मिनरल वाटर अल्लाह ताला का नेमत वाला पानी उसकी बर्फ आ रही है आंटी देख कर हम गोला गंडा वाला पानी पी रहे बर्फ का एंजॉय बर्फबारी का एंजॉय ऐसी होता है इसी में मजा आता है हाँ बर्फबारी अरे वाह जबरदस्त बर्फबारी बहुत तेज हो गई है
कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना इधर नजर आ रहा है और ना इधर नजर आ रहा है। साफ हो गए थे, बादल साफ हो गए, लोग खड़े जाते हैं। जीपीओ चौक है ये, जीपीओ चौक। शूटिंग के लिए आते थे ना, फिल्मों की शूटिंग होती थी। ये देखो, कट देखो, मरी में ही होती थी फिल्मों की शूटिंग। कट दो कैसे, पेड़ के गिर्द घूम घूम के आते थे गाने, मोहम्मद अली और वो वहीद मुराद और ये शाहिद वाहिद सब यही आते थे, यही सब फिल्में होती थी शूटिंग। वहाँ जाना हम लोग ऊपर, बादल कितने साफ, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बर्फ है, तुम क्या आया भाई, किसने दावत दी है ऊपर से, तो शीशा खोल के, अरे मस्त शुक्र है,
हमला कर दिया हम पर। अरे ये बंदर बैठे हुए देखो, आंटी की टोरी आ गई है, पूरी टोरी आई, पूरी फैमिली एक साथ बैठी। कौन बर्फ फेंक रहा है ये बच्चे? यहाँ पे बंदरों ने पूरा, हम पापा ने भी कहा गाड़ी खड़ी करी, उधर भी कर सकते थे ऊपर। क्या हुआ? उनके पीछे भाग गए पापा जी। जैसे बाहर भी निकल ये तो डर लग रहा बंदरों से भाई। हम पी रहे हैं चाय गरम गरम और मौसम तो आपके नजर आ रहा होगा, बस अचानक ही यहाँ पर आना हो गया। बहुत एंजॉय किया हमने और बहुत मजा आया। ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। काफी दिनों के बाद ना यहाँ पे बर्फबारी हुई है, तो काफी पूरी रात हुई है बर्फबारी, तो यहाँ ज्यादा छोटे छोटे बच्चे बर्फबारी जमी हुई मिल रही है। हाँ एक यहाँ में जा रहा था अयोध्या, मगर अयोध्या में रास्ता बहुत ख़राब है, इस वजह से हम जो है ना बस हम यहाँ से बंदर गली से ही वापस हम लोग जाएंगे, मुड़ जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो जो जा रहे हैं अयोध्या, वो अपनी कार के टायर में जो चैन होती है ना, एक ख़ास किस्म की चैन होती है, वो टायर पर बांध देते ताकि स्लिप ना हो। अभी भी काफ़ी गाड़ियाँ स्लिप हो रही थी जो चढ़ाई पर जाने में, स्लिप हो रही ना गाड़ियाँ, स्लिप होती है गाड़ियाँ चढ़ाई पर जाने के लिए, तो वो थोड़ा सा गेप भी रखना पड़ता है, होशियारी से चलानी पड़ती है गाड़ी। और अभी हम बस यहाँ से जाएंगे तो बस अल्लाह पाक साथ करे से चले जाएँ, क्योंकि नीचे भी बड़ी एहतियात से चलानी पड़ती है, और जो है ना समझदार ड्राइवरों का काम होता है यहाँ पर ऐसी गाड़ी चलाना। बर्फबारी है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रही है, कभी रुक रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो ऐसे ही हो रहा है पूरे रास्ते जो है ना, ऐसे ही रहा है। बहुत अच्छा लगा, कभी बारिश हो जाती है, कभी बर्फबारी हो जाती है, हवा जो चलती है ना फिर उसके बाद ज्यादा ठंड लगने लगती है। नहीं हम लोग हैदराबाद से आए, आप लोग भी हैदराबाद से आए? अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग लाहौर से? अच्छा तो फिर कब जाएंगे वापस? अभी चले आएंगे दोनों आए आप? अच्छा अच्छा, साथ खरी से अल्लाह पाक सफर सबका तय कराए। अच्छा मिल गया, यही बात है, बहुत ज़बरदस्त मौसम मिल गया और बिल्कुल जाने को दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से, बहुत हसीन मौसम हो रहा है। अल्लाह आप दोनों के लिए आए? नहीं नहीं, बेटा साथ है रे वाली। उनको दो, वो बैठे हुए इंतजार में। अरे तो झपट गिराइए नीचे। हाथ मेरे सुनो हुआ, सुनो ऐसा लग रहा है ब्लड जम गया। चले हाँ चलो, चलो वाकई हर चीज बड़ी बैलेंस में अच्छी लगती है। अभी इतनी ज्यादा ठंड ना, आवाज ही नहीं निकल रही, और जा रही हूँ गाड़ी में, वहां पर जाके बैठती हूँ, गाड़ियां भी आ रही हैं, पैर भी स्लिप होने का डर होता है पता है यहाँ पे ना, तो चला भी नहीं आता, फिसलन बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह हाफिज कर रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, धूप आ गई थोड़ी सी, बिल्कुल उलिया मेरी हो गई सुन। हाँ हीटर खोल दिया, अल्लाह अच्छा, जैसे सर्दी में अलग भी टटरता है, चल रहा है
जी यहाँ पे मैं अपनी वीडियो जो है वो करती हूँ एंड, और आप लोग भी जो है इस मौसम का लुत्फ़ उठाएँ, और मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको भी जो है ना अपनी वीडियो के ज़रिए शामिल करूँ। तो बस यहाँ पे बस इरादा तो नहीं था हमारा चाहने की, बस आना हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।